तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो ये है एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट टू। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर वो जो राजकुमारी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी थी और उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ भी थी। यहाँ पर उसके पास एक और शक्ति है यानी कि हिमकाय की ताकत, जिस वजह से वो पूरी तरीके से बीमार पड़ जाती है। अब यहाँ पर जो जुबैजी है उसको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर वो अपनी ताकत से उसको किसी भी तरीके से वापस से स्टेबल करता है, उसको बचा लेता है, लेकिन उस वजह से वो खुद भी थोड़ा सा बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ पर जुबाईजी ने उसको कैसे बचाया, और उसके अलावा कैट ड्यूमन उनके पीछे, मतलब जुबाईजी के पीछे क्यों पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर दो सवाल तो पैदा हो जाते हैं जिनके जवाब मैं आपको आगे दूंगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह जब यहाँ पर राजकुमारी उठती है तो वहाँ पर देखती है कि यहाँ पर जुबाईजी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो ये बात बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जुबैजी तो ठीक हो ही जाता है, जिसके बाद वो इस गोल्डन एलेक्सर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर वो ढूंढते ही रहते हैं कि इसी दौरान हमें देखने को मिलती है कैट डीमन, जिसका नाम होता है मियाओ ओमियाओ, यानी कि एकदम बिल्ले वाला नाम सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वो जो मास्टर फेंग चुंग है तो उसके भाई के पास जाकर वो उसको बोलती है कि मास्टर फेंग चुंग से मेरी शादी हो चुकी है और वो मेरे हस्बैंड है और मुझे उनसे मिलना है। जिसके बाद उसका भाई उसकी बीवी को, मतलब जो कि है नहीं है पर उसको पता नहीं होता है ना, तो उसको ले जाकर यहाँ पर मास्टर फेंग चुंग से उसको मिला देते हैं। और यहाँ पर वो कुछ वक्त तक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर, ताकि वो कैट डिमन को पकड़ सके। और इसी दौरान यहाँ पर वो जो मियाँ ओ मियाँ है वो अपना खुराफाती दिमाग चलाकर जो फेंगचुंग का भाई है उसको एक तरीके से अपने वश में कर लेती है यहाँ पर। लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो अपना दिमाग चलाती है और यहाँ पर फेंगचुंग को, और मेरा मतलब है कि जुबाई जी को सारी बातें बता देती है। और जिसके बाद वो लोग किसी तरीके से उस कैट डिमन को पकड़ लेते हैं, मियाओ मियाओ को। लेकिन यहाँ पर होता है एक चमत्कार कि उनका जो मास्टर होती है यानी कि जो मेन लीडर, वो यहाँ पर पहुँच जाती है, उस कैट डिमन को बचा लेती है और बाकी सारे लोगों को एक तरीके से अपनी ताकत से हरा देती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर जुबाई जी और प्रिंसेस भागने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पकड़े ही जाने वाले होते हैं कि यहाँ पर जुबाई जी अपना दिमाग लगाकर उसको नदी में एक तरीके से कूद जाता है उसको लेकर, और सीधा पहुँच जाता है ईस्टर सी में यानी कि राजकुमारी का महल, वहाँ पर उसको ले जाकर पहुँचा देता है। लेकिन वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है उसको बचाने के चक्कर में। और यहाँ पर जैसे ही वो पहुँचता है तो यहाँ पर राजकुमारी का जो पिता होता है यानी कि राजा, वो यहाँ पर उसको कैद कर लेता है और वो ये बात बोलता है कि तुम जिस गोल्डन एलेक्सर को ढूंढ रही हो वो कहीं और नहीं बल्कि ये जो पिगी है या फिर ये जो द मास्टर फेंगचुंग है या फिर जो भी है, ये गोल्डन एलेक्सर जिसको तुम ढूंढ रही हो वो कहीं और नहीं बल्कि इसी के अंदर है, ये खुद ही एक गोल्डन एलेक्सर है। तो यही वजह थी कि कैट डिमन्स इसके पीछे पड़े हुए थे, या फिर इसके अलावा जो यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो जो गोल्डन एलेक्सर के पीछे भाग रही थी, वो गोल्डन एलेक्सर दरअसल कोई और नहीं बल्कि ये फेंगचुंग ही था, यानी कि ये जुबैजी ही खुद अपने आप में गोल्डन एलेक्सर था, जिसके बारे में यहाँ पर प्रिंसेस को तो पता नहीं था और यहाँ पर कैट डिमन को तो पता था, लेकिन यहाँ पर बार बार प्रिंसेस एक ढाल बनकर उसको बचा रही थी। तो यहाँ पर ये जो किंग है ये बोलता है कि मैं इस सुअर को एक तरीके से कुर्बान कर दूंगा और इस ईस्टर सी को बचाऊंगा, क्योंकि यही एक एकमात्र रास्ता है। और वो भी ये बात जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे अपनी बेटी को कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि यही स्प्रिंग है और अगर उसने इसकी कुर्बानी नहीं दी तो अपनी बेटी को कुर्बान करना पड़ेगा इस दुनिया को बचाने के लिए और पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए। तो यहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है, यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, यहाँ पर प्रिंसेस भी कुछ नहीं कर पाती है, पर यहाँ पर आ जाते हैं गुरुदेव और किसी तरीके से यहाँ पर जुबैजी को बचा तो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाती है बहुत ही ज़्यादा बड़ी कि यहाँ पर जो आपको ये रास्ता तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्रिंसेस को ही आप कुर्बानी देनी पड़ेगी इस दुनिया को बचाने के लिए, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से बाद में जैसे ही जो फेंगचुंग है यानी कि मास्टर जुबैजी है वो आ जाते हैं यहाँ पर स्प्रिंग को बचाने के लिए यानी कि प्रिंसेस को, और खुद कुर्बानी दे देता है, लेकिन यहाँ पर कैट डिमन आकर उसकी जो पावर्स है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो यहाँ पर उसकी जो कुर्बानी है वो तो बेकार चली गई। तो अब
यहाँ पर इकलौता कुछ अगर वो बचा है तो वो खुद है प्रिंसेस, उसको ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से जो जुबाइजी है जिसने कुर्बानी दी थी वो स्वर्ग से वापस आकर यहाँ पर उस कैट डीमन से लड़ता है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी गोल्डन एलेक्सर की वजह से, तो उससे लड़कर उसको हरा देता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बद से बदतर हो गई थी क्योंकि अगर इस दुनिया को बचाना है तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जुबाइजी ने कुर्बानी दी तो लेकिन वो तो वेस्ट हो गया। तो अब यहाँ पर स्प्रिंग कुर्बानी दे देती है और पर्यावरण को बचा तो लेती है, लेकिन इन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है। अब आगे यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि अगर इन दोनों का वापस से मिलन होना है तो उसके लिए दोनों को 1,000 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तभी इनका मिलन हो सकता है वापस से। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में और हल्का हल्का बताने की कोशिश की है ताकि आप इस फिल्म को थोड़ा सा हल्के हल्के में लेकर चलो। तो यहाँ पर यही चीज़ हमको एंड में देखने को मिला था कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी थी। यहाँ पर गोल्डन एलेक्सर देकर यहाँ पर जो जुबाइजी है उसने कुर्बानी तो दी, लेकिन कैट डीमन की वजह से वो कुर्बानी बेकार हो गई। अब यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए जो जुबाइजी है वो वापस तो आया, लेकिन यहाँ पर जुबाइजी को भी ये भी बात पता थी और यहाँ पर प्रिंसेस को भी कि यहाँ पर उसकी कुर्बानी तो बेकार चली गई पर पर्यावरण को बचाने के लिए फिर से और एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रिंसेस ने अपने प्यार की और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर दुनिया को बचा लिया। तो मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्म को में हमको देखने को मिला क्या। बाकी मैंने जल्दबाजी में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना, ठीक है। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जोहार।